चलो देखो, ये 2023 का जो है एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सजेशन के तौर पर भी है, इसको तैयारी करना भी है, ठीक। देखो जितना भी लिखे हैं VVI लिखे हैं, एग्जाम में पूछता है, ठीक। यहाँ पे दिए हुए हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें भी तुमको चेंज करके दिया रहेगा, यहाँ पे कभी माइनस दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे करके दिया रहेगा, तो उधर बोलना नहीं दे, 3 ऐसे करके दिया रहेगा, तो 2 ऐसे करके दिया रहेगा, ये भी हो सकता है, या तुमको ऐसे भी देगा 5+√7 ऐसे भी दिया रहता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध की करे कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 0.116 पर आवर्त को P/Q के रूप में बदले, ठीक है, ये यहाँ पे कभी दिया हुआ सिंगल डिजिट में, ठीक है, कभी ये पॉइंट के पहले दिया रहेगा, ये भी क्वेश्चन में ही है, ये कभी है 2.47 दो अंक पे भी रहेगा, तो जितना रहेगा इस पे देख लेना, जितना पे रहेगा तो ये उतना पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 पे है तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ही इसको सॉल्व कर लिखना है दोनों तरफ, दोनों ओर गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दूरी वाला फॉर्मूला में है कि एक्स एक्स पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं 1 a बराबर, ठीक है, a बराबर दिया हुआ यहाँ पे, a बराबर इतना तथा b बराबर इतना से संदूरस्त है, ये दिया रहेगा। फिर तुमको तीसरा में तीसरा क्वेश्चन हो गया, वो चौथा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिया रहेगा, प्रयोग करके 273 तथा 1032 का मोसो निकाले, इसमें भी कुछ अलग अलग चेंज करके दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो, दो संख्याओं का मोसो 23 तथा उनका लोसो इतना दिया हुआ है, तो यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगा करके निकालना है, ठीक है। इसके बाद है पांचवा हो गया, छठा नंबर क्वेश्चन है कि एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु xy 7-1 तथा 3-5 समदूरस्थ है, वो उस पर भी निकालना। इसके बाद ऐसा समीकरण है यहाँ पे दिया हुआ है 2x+5y=1 और 2x+3y=3 को वज्र गुणन विधि ज्ञात करना, जिसमें कि ये होगा उनको क्या, इसमें क्या निकालना, और द्वितीय वाला से निकलेगा तो उसमें जाकर के वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला लगाना है xy-1 करके, ठीक है। इसके बाद है द्विघात समीकरण, इसमें द्विघात समीकरण का प्रयोग करना है, उनको समीकरण ऐसे दिया रहेगा x²-3x-10=0, ठीक है, इसका मान निकालना है। अभी तुमको 8 क्वेश्चन हम सेट किए हैं, फिर जो है आगे वाला जो होगा अगला क्वेश्चन और आगे बना करके तैयार करेंगे, ठीक है। इतना क्वेश्चन को तुमको जब तक अधिक करना है बनाना है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आगे फिर नेक्स्ट दिन बता देंगे इसको, ठीक, इतना क्वेश्चन को बनाना है इसको।